गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल टीना द हिमाचली ब्लॉगर। सो कैसे हो आप लोग? आई होप गाइस यू ऑल आर वेल। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ, मस्त हूँ एकदम। और किशु को भी देख सकते हो, किशु से पूछते हैं, किशु बताएगा आपको हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। किशु कहाँ जा रहे हैं बेटा? हम किसके पास जाना है? अच्छा, तो किशु ने आपको बता दिया हम अपने गांव जा रहे हैं, अपने घर। और किशु भी बहुत एक्साइटेड है मिलने के लिए। किशु किससे मिलना है आपने? किससे मिलने जा रहे हो? दादा पास, दादी पास भी जा रहे हो ना? तो आज मैं काफ़ी दिन के बाद शूट कर रही हूँ। एक्चुअली ऐसा था कि लाइफ बहुत ही बिजी चल रही थी। अभी मेरे हस्बैंड का भी जो था नाक का ऑपरेट हुआ था, और काफ़ी मतलब टाइम भी नहीं मिला क्योंकि हम लोग टांडा गए हुए थे, तो काफ़ी बिजी चला हुआ था शेड्यूल। और आज से जो है वो हमें स्कूल में छुट्टियां पड़ी है, तो फिर मैंने सोचा चलो आज घर भी जा रहे हैं तो चलो थोड़ा सा ब्लॉग भी बना लेती हूँ। और जैसे कि आपने पिछले वाले ब्लॉग में तो मैंने आपको दिखाया था अपना घर, पर मैंने पापा की शुद्ध सामान लेने गए। दादा ने मंगवाया बटर, मंगवाया ना, तो पापा बटर लेने गए हैं। तो हम लोग जो है वो आज अपने पहले वाला घर तो आपने हमारा देखा ही, क्योंकि हम लोग सॉरी गर्मी में हम मैक्सिमम ऊपर ही रहते हैं, बट अब सर्दी है तो मम्मी पापा जो वो नीचे वाले घर में आ गए हैं। सो नीचे वाला घर भी मैं आपको दिखाऊंगी। और किशु तो किशु सेकंड टाइम की थर्ड टाइम जा रहा है ना किशु नीचे वाले घर में, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग ऊपर वाले घर में ही जाते हैं क्योंकि गर्मियों में ही जाते ज़्यादा, तो सर्दी में तो बर्फ वगैरह पड़ने का भी डर रहता है। अभी हम लोग जो है वो मार्केट पहुँच गए हैं और किशु के पापा गए फ्रूट्स वगैरह लाने। मैं देखो क्या बजा रही हूँ, ढोल बजा रहे हैं। सो मैंने और किशु ने योगेश को भेजा पानी भरने के लिए, क्योंकि हम दोनों को लगी है प्यास। और यहाँ पे जो पानी है, सर्दियों में पानी गर्म आता और गर्मी में पानी कैसा आता है? किशु कैसा पानी आता है? बिल्कुल, हाँ यस, ठंडा पानी आता है, वेरी गुड। सो गर्मी में यहाँ पे बहुत ठंडा पानी आता है। किशु सो चुका है, अभी प्रॉपर सोया नहीं है, मैं बोल रही थी हल्की हल्की से आइस खोल रहा है, नींद लगी हुई है। जब भी गाड़ी में बैठते तो उसको नींद ही लग जाती है, ऐसे सोता नहीं घर में। और गाड़ी में हल्का सा बैठा, गाड़ी चली और किशु सो गया। हाउ क्यूट मेरा बच्चा। गाइस हम लोग गहरा पहुंच गए हैं, बट अभी तक किशु सो रहा है। सो आप देख सकते हैं किशु पूरे सोने का आनंद लेता है। देखो किशु बेटा, हम गहरा पहुंच गए बेबी। ग्यारह पहुंच गए बेटा, दादा घर पहुंच गए। अभी नहीं पहुंचे, अभी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी दादा के घर। झूठ मत बोलो, फिर रोएगा फिर से। उठ गया किशु, गुड मॉर्निंग से, गुड मॉर्निंग। अब किशु उठ गया है और खा रहा है किशु मोमोज, क्योंकि हम लोगों ने जो खा लिए थे, मैंने किशु के पापा ने बीच रास्ते में ही खा लिए थे क्योंकि हमें भूख लगी थी। और उस टाइम किशु सो रहा था तो हमने सोचा क्यों उठाना है इसको, सो लेगा। अब हम लोग जो फाइनली ग्यारह पहुंच चुके हैं, ग्यारह पहुंच गए, यही पाइप है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से गाड़ी करनी है या फिर अपनी गाड़ी चली जाएगी। अब पूछते हैं रोड कैसा है, क्योंकि पहले काम चला हुआ था तो काफी उबड़ खाबड़ हो गया था। अगर ठीक होगा तब तो हम लोग ले जाएंगे अपनी गाड़ी। हाँ, यहाँ से जाता है घर का रास्ता ना, दादा के घर का रास्ता यहाँ से जाता है। सो अब देखते हैं किशु के पापा ये फाइनल करेंगे कि अपनी गाड़ी लेके जानी है कि नहीं। मैं सो योगेश बोल रहे हैं कि अपनी गाड़ी लेके ही चलते, तो फिर हम अपनी गाड़ी लेके ही जा रहे हैं। सो देख सकते हो आप हमारा रोड कितना डेंजर है, बहुत ही ख़राब रोड है। बट यहाँ पे हमने पूछा तो बोल रहे हैं कि फ़िलहाल ठीक है, कुछ एक पॉइंट है ख़राब तो बोलते हैं, वहाँ पे बनाया तो ठीक मतलब निकल जाएगी गाड़ी आराम से। सो वैसे तो है बहुत ख़राब, मतलब बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं, पर चलो आराम से पहुँच जाएंगे हम लोग। पहुँच गया दादा के घर, पहुँच गया दादा घर। कहाँ दादा घर दिखा लो मेरे को, कहाँ? वो ऊपर, ये नहीं दादा घर। ठंडी लग रही है दादा घर, बस ये थोड़ा सा ऊपर बचा है, बस पहुँच जाएंगे अब, ठीक है? हाँ चलो पापा गाड़ी का।
पापा गाड़ी तो लगा दिए पापा ने गाड़ी आज लगा दिए पापा ने गाड़ी यारो आप चलने के चलो फिर खुद चलना वेरी गुड चल गाड़ी लगा दिया ना गाड़ी लगा दिए चलो हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है किशु जा रहा है पापा के साथ आगे आगे गाइस हमारी चढ़ाई जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा चली हुई क्या ही मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा हवा है और किशु तो परेशान हो गया क्योंकि किशु तो यही बोले जा रहा है कि दादा घर से देख सकते किशु चल रहा है खुद से अभी दादा का घर बहुत दूर है किशु अभी ऊपर तक चढ़ना पड़ेगा बेटा बहुत दूर है अभी आगे आगे बस आप देख सकते हो किशु की नोजी पूरी रेड हो चुकी है किशु हेलो कर दो हेलो किशु एकदम स्टीप चढ़ाई है हम लोग यहाँ से चढ़ेंगे अभी रास्ता जो है पत्थरों के बीच में से चलना पड़ेगा हमें और किशु आ रहा है किशु वैसे परेशान हो गया थक गया मैं ले लेती हूँ गोदी में ठीक है आ जाओ सो अब किशु को गोदी में उठा लिया क्योंकि यहाँ से पत्थर ही पत्थर है तो किशु को थोड़ा सा चलना मुश्किल हो जाएगा और आप देख सकते हो थोड़ी देर किशु के पापा लेंगे गोदी में थोड़ी देर मैं लूँगी किशु थक गया ओह माय गॉड मैं बेबी थक गया Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. अभी तक हमने हाँ बहुत अभी बहुत चढ़ाई है. हवा इतनी तेज चली हुई है कि कान वगैरह पूरे फ्रीज हो चुके हैं. बहुत तेज हवा है बहुत ही ज्यादा रास्ता भी इतना उबड़ खाबड़ है. किशु तो पहन नहीं रहा कैप अब मैंने पहन लिया कैप किशु की कैप और आप देख सकते हो मेरे पीछे भी हम लोग इतना सा चढ़ के आए पर हालत खराब हो गई है. वैसे तो चढ़ाई चढ़ने की आदत है बट वो है कि हवा बहुत ज्यादा तेज चली हुई है और सबसे ज्यादा तो किशु की था किशु थक रहा थक गया बेचारा. पहले ऊपर वाला घर था वहाँ पे तो ये था कि प्लेन था मतलब थोड़ा ही चलना पड़ता था बट जो नीचे वाला घर है यहाँ पे रोड यहीं तक पहुँचते इससे ऊपर जो है वो खुद चलना पड़ता है तो ना टफ है बच्चों बच्चे के साथ और भी टफ हो जाता है. किशु को बारी बारी उठा रहे कभी इसके पापा उठा रहे कभी मैं उठा रही हूँ. अब तो बेचारा थक गया बोलता कहाँ है गाड़ी गाड़ी बुला दो किशु बोल रहा है गाड़ी बुला दो है ना किशु कुछ नहीं खाने के लिए ये दे दे ये पापा को दे दे थोड़ी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि किशु को प्यास लगी थी तो पानी तो हम साथ में लाए नहीं थे क्योंकि इतनी चढ़ाई इतना सामान उठाया है ऑलरेडी और पानी की बोतल उठा के चलते वो हम भूल गए गाड़ी में ही और ये तो हमारे पास जूस पड़े थे वो मैंने टांडा में लिए थे पीने के लिए बैग में वैसे पड़े थे. अच्छा है किशु को मिल गया है कि रोने लग गया था कि मेरे को प्यास लगी है. नाउ किशु हैप्पी ओके जूस मिल गया किशु को ये तो अच्छा जूस मिल गया अदरवाइज मुश्किल हो जाता इसके साथ. किशु के पापा तो इतने एक्टिव बने हुए ना इनका वैसे ऑपरेशन हुआ पर लगता नहीं ऑपरेशन हुआ है. ये बोलते हैं कि सारा सामान मैं उठा लेता हूँ किशु को मैं उठा लेता हूँ. कैसे देख रहे हो क्या हुआ दर्द नहीं हो रही नाक में दिखाना इधर अब तो कम होगी स्वेलिंग भी उस दिन तो इतना ज़्यादा फूला हुआ था. तो किशु के पापा कुछ ज़्यादा एक्टिव बने हुए हैं ऐसे लग ही नहीं रहा कि अभी बीमार थे कुछ टाइम तक ऐसे पड़े हुए थे मैं आपको दिखाती वीडियो तो बस वो बनाई नहीं मैंने.
किशु भी खुश हो गया, जूस मिल गया थोड़ी देर। किशु हंसी आ रही है। किशु कैसे हंसता है, कैसे हंसते है किशु, दिखाओ हंस के दिखाओ। मुंह पे हाथ रख के हंसता है, इसकी आईज पूरी रेड हो गई है किशु की और मेरी भी। हाँ थके, ये तो अच्छा होगी जूस मिल गया पीने के लिए। ठीक है आईज, नहीं यार रेड होगी आईज आपकी, आपकी आईज रेड होगी है। देखो इधर आओ कैमरे में दिखाओ, आज झूठ बोल रही हूँ, आप कैमरे में दिखाओ, बोले इधर आओ, नजदीक आओ, शो मी आईज, दिखाओ आईज, आराम से बेटा, कहाँ है? नहीं ये रेड, नॉर्मल है। किशु अब उतर जाओ बेटा, पापा देख कितना गुस्सा आ रहा है इसका, अभी तक हमने ऊपर पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हो किशु थक गया पूरे ढंग से, अब मैं खुद थक चुकी हूँ। तो ये तो बेचारा बेबी है, छोटा बेबी है मेरा, मैं लूंगी गोदी में, ठीक है, अब मैं लूंगी गोदी में बेबी को। रोना बंद करो, थक गया, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है दर्द, कहाँ पे हो रहा है, लेग में हो रही है, मैं उठा लेती हूँ गोदी में, ठीक है। बस अब थोड़ा सा डिस्टेंस बचा है, हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। ये वाला घर है हमारा घर, अब किशु खुश हो गया, अब किशु बता रहा है कहाँ है किशु, दादा घर, कहाँ है दादा घर। हाँ अब थोड़ा सा ही बचा है, बस थोड़ा ही चलना है अब, चूँकि हालत खराब हो गई, बस दो स्टेप रख रहा है, बोल रहा है थक गया बेबी। नहीं हम लोग कब से बोल दिया, किशु बस से थोड़ा सा चलना, दादा घर आ गया, बस थोड़ी थोड़ा सा डिस्टेंस बचा, यही बोल रहे किशु को, थोड़ा सा डिस्टेंस बचा पहुंच जाएंगे। पर किशु ऐसा हो गया ना इतना, हमने सोचा अच्छा चलेगा, पर बिल्कुल नहीं। चलो वेरी गुड, चलो अब चलो, हाँ आ गया आ गया, चलो लिटिल स्टार, हाउ वा वंडर। पापे दाये, पापे दाये, पापे दाये। जी, जी।